मेरी ना बचपन से ही आदत है ये कि मैं ना हमेशा ब्रेक के ऊपर पाँव रखता हूँ। जहाँ भी इमरजेंसी हो जाए साथ ही ब्रेक लगा देता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोगों। वी आर फाइनली बैक विद दी एन अदर व्लॉग। तो यार अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर देना। कोशिश है कि मैं डेली फेंकू, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, व्लॉग तो आ रहा है ना, बस तुम लोग चिल मारो। ओके तो आज आज ही हमारी पहली छुट्टी, ठीक है, यानी सैटरडे की पहली छुट्टी आ चुकी है। ओके और आज जो है वो मुझे दो तीन अदद काम मुकाने हैं, ठीक है, दो काम है, वो दोनों आज ख़त्म करने हैं। इस वजह से मैं सुबह सुबह तैयार हो चुका हूँ। सर्दी भी है, दिखाता हूँ तुम लोगों को, तो हर तरफ बादल ही बादल, ये छोटा सा सूरज निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन आज तो ये देख लो इतना सा, ठीक है, तो थोड़ी सी धूप ही है, ठीक है, तो समझ सकते हो कि हम लोगों को बता ही दिया जाए कि आज हम लोग किधर जाने लगे हैं। आज जो है वो दो दत काम है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों को काम बता दूं, सबसे पहला काम है कि हम लोग अपनी जॉब में इतनी ज़्यादा मसरूफ हो गए कि हम लोग अपनी दादों का वो काम भूल गए, ये वाला, ठीक है, तो वो डॉक्टर वाला काम भूल गए, ठीक है। तो आज है सैटरडे, कल संडे है, डॉक्टर की छुट्टी हो जानी है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग ने ये वाला काम करवाना है दादू का, डॉक्टर को उठाएंगे, उठा के उसे पीछे बढ़ा के सीधा लेके जाएंगे उधर, उधर जाके उसका काम करवाने के बाद, उधर ही छोड़ने के बाद, उसके बाद मैंने जाना है जी जैस के दफ्तर, ठीक है। जैस का दफ्तर ये हो रहा है कि मैं जो सिम इस्तेमाल करता हूँ वो जैस की है, उसका ये प्रोसेस चल रहा है कि भाई साहब मैं उधर होता हूँ ना सियालकोट, ठीक है, तो इधर से कोई मुझे फ़ोन करता है ना तो मुझे वो रिप्लाई नहीं होता, अगर मैं इधर होता हूँ तो उधर से कोई फ़ोन करता है तो मेरा आगे से नंबर मसरूफ जाता है, हालांकि मेरा नंबर ऑन है, ठीक है। तो ये दो दर काम है, उनसे जाके पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा, हो सकता है वो सिम नहीं देने फ्री में, ठीक है। तो खैर फिलहाल मैं तो तैयार शार हूँ, ठीक है, तो बस बूट शूट पहने हैं, ओके, शूज शूज पड़े हैं, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ी सी देर बाद अभी टाइम होगा, यही 10 बज रहे हैं, हमारा जो टाइम है वो 12 बजे का, ठीक है, तो उतनी देर में थोड़ी सी देर धूप ले लूं, ठीक है, उसके बाद फिर शूज पहनेंगे और दस्ती निकलेंगे। 6.5 hours later जनाब रेडी शेडी हो गए हैं, सिर्फ उसे जैकेट पहनना लास्ट रह गई है, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। ओके तो रेडी हैं, ओके, ये भी पहन लें, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं सीधा। तुम लोगों को पता कि दो तीन आज काम मुका के आना है हर हाल में, इससे पहले तो फिर लेट हो जाएंगे, इस वजह से हम लोग जल्दी निकलने वाले हैं। ओके तो निकलते हैं, जाके अपने काम शाम मुकाते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आगे हम लोगों ने व्लॉग को एंड भी करना है, और कल भी कोशिश यही है कि एक दो व्लॉग या दो तीन व्लॉग्स लोग बन जाए। ओके तो अब निकलते हैं, हल्की सी तुलसी खा चले फिर निकलते हैं। 5 minutes later ठीक है, सीधा डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर पहुँच के तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं गाड़ी का काम करवाने लग गया था, ठीक है, तो इस वजह से फिलहाल हम लोग जल्दी से निकलते हैं, इधर से इधर पड़ते हैं, ठीक है, तो जल्दी से पहुँच के उसको उठा के उसको ले के चले, उसने 1:30 का टाइम दिया था, 2 बज चुके हैं। लड़की दुकान पे पहुंची है, उससे बात हो गई है, ठीक है, वो बात करता है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, 2 बज गए हैं वगैरह, रश लगा है, आधा घंटा और लगेगा वेट कर। ओके तो मैं भाई आगे गाड़ी पे बैठ चुके हैं, इधर उसका वेट करते हैं। 20 minutes later यार मैं फिर से बाहर आ के बैठ चुका हूँ, ठीक है, अंदर अभी भी रश पड़ा, इस वजह से अभी मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, ठीक है, मेरी सलाह कुछ खा लिया जाए, वो सामने नान टिक्की वाला, ठीक है, उसके पास चलते हैं, कोई एक आधी नान टिक्की शिक्की खा लेते हैं, क्योंकि अंदर तो अभी काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा है, तो मुझे तो भूख लग रही है और अभी एक काम भी नहीं हुआ, ठीक है, कोशिश मेरी यही थी कि एक आधा काम कर लेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं टाइम लग जाना, तो मुझे वेट करना पड़ना, मैंने जैकेट उतार के छप्पड़ में डाल दिया, गर्मी सी लग रही है, अंदर तो एसी चल रहा है। ओके तो उसके पास चलते हैं, उससे एक नान टिक्की खा के आते हैं, सकते हो अपनी नान टिक्की, ठीक है, तो इसे खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले बाइट तोड़ के जैकेट, बहुत दिनों के बाद खाने नहीं लगा, अदरवाइज़ वैसे तो मैं ये स्कूल में खाता हूँ, लेकिन आज के लिए मतलब इधर खा लें, चलो खा लें ये थोड़ा, वही गर्म है बाबा, ये इसके साथ नान टिक्की भी खा रहा हूँ, लेकिन अभी तक रश नहीं खत्म हुआ, रश वैसे का वैसे ही जारी है, ठीक है, देखते हैं वो कितनी देर तक बाई जाता है, उसके बाद उसको लेके चले।
15 minutes later. Finally यार पूरा घंटा बैठने के बाद अब ट्रक साहब ने मारी सुन लिया, वो कहते हैं चलो यार गाड़ी मोड़ो चले थे, ठीक है तो अभी हम लोग चलते हैं और उधर जाके उनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है। ओके इधर से जल्दी निकलते हैं, आगे बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो जल्दी से हम लोग निकलते हैं। ये देख सकते हो हम लोग डॉक्टर रोहन बन चुके हैं, इस टाइम मैंने डॉक्टर का गेटअप कर लिया, चेक कर सकते हो तुम लोग, तो चलते हैं सीधा। A few moments later. The next morning. के जनाब कल फिर सारा दिन हम लोग ने व्लॉग नहीं किया, उसका रीजन मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। पट्टी हो रही थी तो कितनी ज्यादा तकलीफ हुई है, ऐसा पूरे पकोड़े लग गए हैं कल ना, सीन ऐसा हुआ था मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैं अपनी दादों के बाहर निकलो आके वापस आ रहा था घर की तरफ से, ठीक है उस टाइम तक मैंने व्लॉग नहीं किया, ठीक है मैंने कहा चलो मैं बता दूंगा व्लॉग नहीं किया मैंने। उसके बाद ये हुआ कि मैं मोहल्ला इस्लामाबाद की गली में एंटर हो गया, ठीक है मेरी ना बचपन से आदत है ये कि मैं ना हमेशा ब्रेक के ऊपर पाँव रखता हूँ, जहाँ भी एमरजेंसी हो जाए साथ ही ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक के ऊपर ही पाँव रहता है, एक पीछे पैडल होता है पैडल के ऊपर पाँव नहीं रखता, ब्रेक के ऊपर ही रखता है। मैंने ब्रेक के ऊपर इस तरह पाँव रखा था और इस साइड पे मैं चल रहा था, इस साइड के ऊपर रास्ता, ठीक है तो इस साइड के ना मेरे ना इस तरह करके ना वो रख दिया, अब मेरा पाँव ये वाली पाँव की जो जोन सी अड्डी नहीं होती ये मेरी ब्रेक के ऊपर थी, आगे का अंगूठा मेरा बूट के अंदर इस तरह खड़ा हुआ था, ठीक है आगे एक थरा बना था उसके नीचे इस तरह मेरा बूट आ गया और मैंने आगे से रेस दे दी, इतनी दर्द हुई फट चुकी थी पूरी ज़्यादा फुल ज़्यादा, ठीक है तो जल्दी से एक टीका लगवाया दर्द का, थोड़ा सा फर्क पड़ा उसके बाद फिर पट्टी करवाई है और अब तुम लोगों के सामने है, ये देख लो तुम लोगों के सामने है। अभी भी इस तरह सीधा करूँ ना तो दर्द होती है बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के, पूरे पकौड़े लग चुके हैं यार, बस मैंने उधर ब्रेक मुझे रेस लेती देनी चाहिए, मुझे पहले पाँव निकाल के फिर देखना चाहिए था, ठीक है तो ये इधर से फूल बड़ा फूल इस तरह सूख चुका था जब ना ये काम हुआ ना, बाकी शुक्र करो कि हमारा ये नाखून बच चुका है चूँकि मैंने बूट पहना था, फिर भी देख लो क्या ये काम हो गया। एनीवेज जितना भी ब्लॉग बनाए इसको मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है चोट लग चुकी है एक दो दिन ब्लॉग नहीं आएगा, टेंशन ना लिया करो इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं एक नए ब्लॉग के साथ तुम लोगों को मिलूँगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कोशिश है कि मैं डेली फेंकूँ लेकिन फिर भी तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट अगले ब्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाय।